रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। चौराहों, सड़कों से लेकर अब स्कूलों पर कोरोना अटैक कर रहा है और मासूमों को भी नहीं बख्श रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सागर क्षेत्र के रजौला गांव के माध्यमिक स्कूल में कोरोना ने हमला किया है। कोरोना का ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 मासूम छात्र पॉजिटिव हो गए। जिला मुख्यालय ने आनन फानन में स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। मासूमों का इलाज शुरू कर दिया गया है। तमाम परिजनों से सवाल सिर्फ इतना है कि दुनिया में माँ बाप के लिए सबसे संवेदनशील कोई चीज है तो वो है बच्चे। तो उसमें काफी लोगों की सैंपल गए थे, उसमें काफी बच्चे भी थे, ठीक है। उसमें से लगभग 11 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, ठीक है। और सभी की कंडीशन स्टेबल है, जो हमारी RRTME द्वारा सबको चेकअप किया गया है और मेडिकल किट प्रदान की गई है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं लगा जिसको आइसोलेट करना पड़े या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना पड़े या फिर उनको CCC सेंटर में भेजने की ज़रूरत हो। तो सबको होम आइसोलेट किया गया है और हमारी MU RRT दोनों टीमों की निगरानी में अभी भी हैं और सभी बच्चे स्थिर हैं, स्वस्थ हैं। अगर स्कूलों में कोरोना अब हमला करने लगा है तो आप समझ जाओ, सागर में ऐसे कई स्कूल हैं जो स्कूल चल रहे हैं वो भी कोरोना की गाइडलाइन को धता दिखाकर लापरवाही के आलम में स्कूल चल रहे हैं। सागर में तीसरी लहर में 500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत है। फिलहाल स्कूलों को लेकर अब परिजन सतर्क और सावधान हो जाए। सरकार पता नहीं कब कौन आदेश निकालती है, जो जरूरी है वो निकालती नहीं, और कब कौन सा आदेश नहीं निकालना चाहिए वो निकाल देती है। यही सरकार की नियत ही है। फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए परिजनों को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अतुल विश्वकर्मा के साथ तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, साहेगढ़।